हेलो एवरीवन, सो गाइस आईपीएल 2023 का ऑक्शन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे हमें आईपीएल की टीमों की तरफ से उनकी तरफ से खबरें देखने को मिल रही है। और ऐसे ही खबर यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से आ रही है और आरआर की टीम में एक केरला के खिलाड़ी की एंट्री होने वाली है। और कौन सा वो केरला का प्लेयर है, क्या ये खबर है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आज आपको फुल डिटेल्स में बताऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, इसी वजह से आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो गाइस बात करें इस खबर के बारे में, ये खबर निकल कर आ रही है केरला की टीम के ओपनर रोहन कुन्नू मिल की तरफ से, जहां पर इन्होंने बताया है कि इन्होंने आरआर की टीम का ट्रायल कैंप अटेंड किया और इनका ट्रायल कैंप काफी अच्छा भी रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। और इनको ट्रायल कैंप अटेंड कराने में संजू सैमसन ने काफी मदद करी है, क्योंकि आपको पता ही है केरला की टीम के कप्तान है संजू सैमसन, और संजू सैमसन ने ही इनको यहां पर ट्रायल कैंप दिलाने में काफी मदद करी। और इन्होंने आईपीएल की दूसरी टीमों का भी ट्रायल कैंप दिया है, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से भी खबर आई है कि वहां पर भी इन्होंने ट्रायल कैंप दिया है। और ऐसे में आप काफी हाई चांस है कि रोहन कुन्नूमल को राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल 2023 इसके ऑक्शन में हमें खरीदती हुई नजर आए, क्योंकि पिछले सीजन में जब जो राजस्थान रॉयल्स की टीम के फास्ट बॉलर कुलदीप सेन, उन्होंने आरआर की टीम का ट्रायल कैंप दिया था, तो वहां पर भी कुलदीप सेन को यहां पर संजू सैमसन ने ही ट्रायल कैंप दिलाने में मदद करी थी। और ऐसे में इस बार भी संजू सैमसन आरआर की टीम को रोहन कुन्नूमल के बारे में इन्फॉर्म किया, तो काफी हाई चांस है कि इस बार रोहन कुन्नूमल हमें आरआर की टीम में आते हुए नजर आए। तो गाइस बात करें अगली खबर के बारे में, अगले प्लेयर के बारे में बात करें तो वहां पर नाम आता है शिवम मावी का। शिवम मावी को लेकर कई रिपोर्ट्स ने दावा कर दिया कि आरआर की टीम हो सकती है कि इनको अगले ऑक्शन में टारगेट करे, एक अच्छे उनके लिए बैकअप प्लेयर हो सकते हैं, बैकअप फास्ट बॉलर हो सकते हैं प्रसिद्ध कृष्णा जैसे बॉलर्स के लिए। तो ऐसे में कई रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि शिवम मावी को आरआर की टीम ऑक्शन में टारगेट करती हमें नजर आएगी। पिछला जब ऑक्शन हुआ था तब राजस्थान रॉयल्स की टीम ने स्ट्रेटेजी इनको लेकर काफी ज्यादा बनाई थी, जब राजस्थान रॉयल्स की टीम ने उनका ऑक्शन स्ट्रेटेजी वाला वीडियो अपलोड किया था, वहां पर हमने देखा था कि शिवम मावी को लेकर भी काफी इन्होंने डिस्कशन किया था और उनको लेकर भी अच्छा खासा इन्होंने बजट बनाया था। लेकिन आरआर की टीम को प्रसिद्ध कृष्णा मिल गए थे, इसी वजह से इसके बाद उन्होंने ज्यादा यहां पर शिवम मावी पर ट्राई नहीं किया। लेकिन हो सकता है कि अगले ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स की टीम इनको टारगेट करती हुई हमें नजर आए। आपकी क्या राय है, क्या राजस्थान रॉयल्स की टीम को शिवम मावी को टारगेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आप कमेंट करके जरूर बताएगा। तो आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर, एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना।